हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 8 की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख के आए होंगे, ठीक है, जिसमें CPU, CGL, MTS, CHSL 2023 के क्वेश्चन, 22 के क्वेश्चन, 24 के क्वेश्चन रहेंगे, और ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टेबल ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखो क्वेश्चन पूछा, शहर सी की कुल जनसंख्या 8000 है। तो शहर सी की बात की जाए तो शहर सी ये है हमारे पास, कुल जनसंख्या 8000 है, मतलब 100%। तो शहर सी में गरीबी रेखा से ऊपर सी में, देखो गरीबी रेखा से नीचे तो है 20%, नीचे तो है 20%, तो ऊपर कितने परसेंट होंगे आप बोलोगे, 80% होंगे। तो 8000 का 80% निकालो पहले, तो ये तो नीचे वाले होंगे। अगर ये 20% जनसंख्या है सी में, तो ये कितनी हो जाएगी आप बोलोगे, सी में हो जाएगी 80%। सही बात है। तो हमारे पास सी का, क्योंकि ऊपर वाला बोला, तो ऊपर का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:3। तो टोटल जनसंख्या देख लेते हैं पहले, तो 8000 का हम लोगों को निकालना पड़ेगा कितना, 80% 4/5, 5 से 16, 16 चौकी 64, मतलब कितना हो गया भाई, 6400। ये जनसंख्या वो है जो गरीबी रेखा से ऊपर है। अच्छा, गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की बात की जा रही है, तो महिलाओं का मतलब है 3, तो 3/3 हो जाएगा 8। टोटल कितने हैं जनसंख्या, तो 3 तो महिलाएं हो गई, 1/3 हो जाएगा 8, इंटू कर देंगे 6400 का, तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो महिलाओं की जनसंख्या आ जाएगी, जो कि हमसे पूछी, 8 8 64, 8 3 24, 24 के पीछे 2 0 चिपका दो, 2400 जो है जनसंख्या हो जाएगी सी में, जो कि महिला गरीबी रेखा से ऊपर आती है। ठीक है, बताओ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को कंटिन्यू रखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले, स्किप मत करना, कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि कोई नहीं कराएगा आपको पूरे YouTube पे। ठीक है, ए जो है 10 दी गई संख्याओं का औसत है, ए क्या है हमारा, 10 संख्याओं का औसत है, बी दो संख्याओं को 3 अन्य संख्याओं द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, उसके बाद में औसत है। कहने का मतलब है, जो 10 संख्या थी उसमें से 2 संख्या निकाली, 3 संख्या जब हमने उसमें एड कर दी, तब हमारे पास जो औसत बनता है वो बी बनता है। मेरी बात को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो देखिए। तो क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 10 संख्याओं का औसत, यहां पर देखिए, यहां पे लिखा है मैंने संख्या, समझ लो, करने को कैसे भी कर लेना, यहां लिख रहा हूं मैं औसत, जो कि 10 संख्याओं का औसत ए है, अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो योग बना सकते हो, तो योग हो जाएगा 10। सही बात है मेरी। अब क्या होता है, 2 संख्याओं को निकाल दिया जाता है, देखो 2 संख्याओं को चेंज किया जा रहा है इन 3 संख्याओं से, जब मैंने 2 निकाली तो 8 बची, 8 में फिर मैंने जोड़ दी 2, बची कितनी 11, तो 11 संख्याओं का जो एवरेज है वो हमारे पास क्या आ जाता है, बी, और योग की अगर मैं बात करूं तो 11b हम लोग योग बोल सकते हैं इसका। क्लियर है, ओके। हटाई गई संख्याओं का औसत, मतलब यहाँ पे जो 2 संख्याएं थी, हटाई गई कितनी थी 2, उनका औसत दे रखा है 48, तो क्या आप उन 2 संख्याओं का योग निकाल सकते हो, 48 2 96, तो जो निकाली गई संख्या है वो तो हमारे पास 96 बनी योग में, और इसके बाद में नई संख्या शामिल की गई, उनका औसत दे रखा है 56। कहने का मतलब है 3 संख्या जो मिली है हमें वापिस, उसकी एक संख्या का मान है 56, तो 3 का कितना हो गया, 56 का गुणा कर दो, तो ये तो हमने प्लस किया हुआ है, ये तो हमने निकाली है 48 2 96, ये ऐड किए हैं, तो 56 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 6 18 की 8 हो गई, 1 कैरी 3 5 15 और 1 16। ओवरऑल अगर मैं ये देखूं कि औसत पहले से यहां पर बढ़ रहा है या घट रहा है, आप बोलोगे सर बढ़ रहा है, क्यों, हमने निकाला तो 96 था और हो कितना गया 168, तो कहीं ना कहीं बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया आप बोलोगे, 68 यहां पर है ऊपर 4 नीचे, मतलब 72, कितना बढ़ रहा है ये, इनके बीच में अंतर कितना आएगा भाई, इन दोनों इक्वेशन के बीच में अंतर, जो योग में अंतर आएगा वो कितना आएगा,
72 का आएगा। तो क्या मैं इस बड़ी संख्या में से 11b में से माइनस कर दूं 10a, देन इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं 72 का अंतर होगा। भाई 96 निकाला, 168 दे दिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 72 ज्यादा दे दिए मैंने, ठीक है, तो मैंने 72 लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखी है, यदि a प्लस बी का मान 438 है, अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊं तो b प्लस ए कर लू चाहे, या a प्लस बी कर लू जैसे करना चाहूं, तो b प्लस ए का मान जो हमें दे रखा है, b प्लस ए का मान जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, 438। सबसे पहले b का मान निकाल लेते हैं, तो 10 का गुणा यहां कर दो, 10 का गुणा यहां कर दो, 10 का गुणा यहां कर दो, मैंने तीनों में 10 का गुणा कर दिया, देन प्लस जब हम करेंगे इसको तो ये वैल्यू कट हो जाएगी, यहां बचेगा 21b, 21b बराबर हो जाएगा हमारा, देखो 2 प्लस कर लीजिए इन्हें, 15 और 1 16, 15 होगी ना, ठीक है, 3 और 1 4 हो गया, यहां पे भी 4 हो गया, क्लियर है। 21 से डिवाइड कर दो, b का मान आ जाएगा 21 दूनी 42, 42 के बाद दो बचा, 21 से कम 21, बचा कितना 4, 21 दूनी 42, 212, 212 हमारी संख्या निकल आई b, 212 अगर b है और मैं 438 में से 212 घटा दूं तो क्या a का मान आ जाएगा, तो हम लोग a का मान निकाल सकते हैं कैसे, कि देखो भाई a प्लस b का मान क्वेश्चन में गिवन है कितना 438, 438 में से घटा दो b का मान 212, b का मान घटा दो, a बराबर बचेगा कितना 6 2 और 2 2 2 6 बचेगा, हो गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर बता दो, तो इन दोनों के बीच में अंतर अगर हम देखेंगे 12 24 24 में 2 और जोड़ दो तो फाइनल 14 आप राइट आंसर बोलोगे। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, क्वेश्चन को समझ के करोगे तो बहुत आसान होगा। सिंपल था, 10 ए योग था, 11 भी यहाँ पर भी योग था, दोनों के बीच में अंतर 72 का था, एक इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, सॉल्व की इतना वो तो समझाने के लिए होता है, ये डायरेक्ट यहाँ से इतना कर सकते हो, ठीक है, इतना टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से पीछे करो, देखिए क्वेश्चन क्या बोला, एक निश्चित धनराशि एक वर्ष 9 माह में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज दे रखी 1460, तो हमसे पूछा है कि बताओ ऋण की राशि कितनी, तो एक काम करते 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्रिंसिपल लेट कर लो, मैंने प्रिंसिपल लेट कर लिया कितना 100 प्रिंसिपल के हिसाब से 10% पहली साल पर जो ब्याज मिलेगा आप बोलोगे सर 10 रुपए मिलेगा, दूसरी साल पर जो ब्याज मिलेगा 10 तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन इसका भी 1/10 मिलेगा, मतलब 1 और मिलेगा, ये एक वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है, लेकिन दूसरा वर्ष पूरा नहीं सिर्फ 9 महीने चाहिए, 9 महीने को अगर मुझे वर्ष में बदलना है तो 12 से भाग 3 3 9 3 4 12, अगर मैं नीचे वाली रो में इसमें 3/11 का गुणा कर दूं, इस पूरी में 3/11 का गुणा कर दूं तो क्या होगा भी 3/4 का, तो ये 9 महीने की राशि हो जाएगी, ब्याज हो जाएगी 9 महीने की, तो देखो 10 तो पहले से ही हमें मिल रही है एक साल में, प्लस 9 महीने की ब्याज कितनी होगी 10 और 11 33 33/4 चार का गुणा करो, 4 2 40 40 और 3 73/4 73/4 रेशियो जो है इंटरेस्ट बना, ये रेशियो में चल रही है कहानी, कितना बना 73/4, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बन रही है भाई, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1460, एक रेशियो का मान जब आप निकालोगे तो 73 से देखो 3 2 6 ये 2 बार जाएगा, मतलब 20, 20 में गुणा 4 का 20 4 80 हो गया, एक रेशियो का मान 80 है, तो हमसे पूछ रहे कि वह धनराशि कितनी, तो जो धनराशि मानी है उसमें 80 का गुणा कर दूं, मैंने 100 मानी थी तो मैं 100 का और गुणा कर दूं तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 8000 रुपये हो जाएगा, बताओ कितना सिंपल था, कुछ था इसमें नहीं था। आगे देखिए, एक निश्चित धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज से वार्षिक वार्षिक आगे की दर से 3 वर्षों के लिए, मतलब 8% की दर से 3 वर्षों के लिए पैसे लिए जाते हैं, और साधारण ब्याज जब होता है तो हम लोग क्या करते हैं आर और टी का गुणा कर देते, 8 से 24% ब्याज बना, ठीक है। आगे देखेंगे 8% वार्षिक दर से 7 वर्षों का जो ब्याज है वो देखेंगे 8 से 56%, इनके बीच में
अंतर दे रखा है, कम ज्यादा अधिक ये सब अंतर होते हैं। कितना है 9120, इनके बीच में अंतर देख लो तो कितना हो जाएगा 27 का 26 और एक 27, 27% का मान हमें दे रखा है 9120, 1% का मान आप निकाल सकते हो इसको 27 से विभाजित करके, तीन नाम 27 हो जाता है, तीन से तीन तरह 9, तीन चौक 12 जीरो 3040, 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 से डिवाइड करना चाहोगे तो 9 से 9 3 27, 27 के बाद में बचा कितना हमारे पास 28 29 30, मतलब 3 बच रहा है। ठीक है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, नहीं जा रही है वैल्यू, पॉइंट में तो नहीं है, 6 में से 4 गई, एक सेकंड, मैंने 27 कैसे कर दिया है, यहां 27 नहीं बचेगा बॉस, 6 में माइनस करना है ना, तो 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो बचेगा 2, देन 5 में से 2 गए तो 3, 32 बचेगा, 32% का मान है 9120। ओके, तो 1% का मान या 100% का मान निकालेंगे तो 9120 देन डिवाइडेड बाई 32 इनटू कर देंगे 100 का, 100 का इसलिए किया क्योंकि हमें धनराशि निकालनी है और धनराशि निकालनी है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल। तो यहां पर जब हम देखेंगे, देखिए 4 8 32 या 8 से काट लो, 8 से 8 चौक 32 हो गया, 8 से इसको काट लो, 8 एकम 8 हो गया, बचा कितना 1, 8 एकम 8 हो गया दोबारा, 9 10 11 मतलब 3, 8 चौक 32 और 1 0, 4 से विभाजित कर लो, 4 से देखेंगे 4 दूनी 8 हो गया, 8 9 10 11 4 8 32, 4 5 20 और 2 0 और चिपका दो तो हमारे पास उत्तर होगा 28,500, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28,500 आपका राइट आंसर होगा, बताओ कितना सिंपल था। सिंपल, हमें ब्याज दे रखी थी, कितना कम थी हमें ये देखना था, तो 32% का मान ये दे रखा है, 1% का मान ये हो गया, तो सीधे 100% का मान निकालो, धनराशि आ जाएगी। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति दर्जन की दर से 1600 आम खरीदता है, समझना, इनमें से 900 आम 15 रुपए की दर से और शेष आमों को 14 की दर से बेच देता है। देखो, जरूरी नहीं है आप 1600 के पूरे बेचो, आप 16 ले लो और 9 ले लो। कहने का मतलब है कि 16 जो आम है वो मैंने जो खरीदे और उनमें से पहले 9 बेच दिए, बाद में बेच दिए कितने 7 आम, ये आमों की संख्या हो गई। 120 रुपए के एक दर्जन है तो एक आम 10 रुपए का हो गया। देखो, 120 रुपए के एक दर्जन तो 12 से विभाजित करेंगे तो मैंने जो खरीदा है 10 रुपए प्रति आम खरीदा है, और 10 रुपए में अगर एक आम खरीदा है तो मैंने 16 आम कितने के खरीदे होंगे, आप बोलोगे सर 160 रुपए के, 160 रुपए के मैंने आम खरीद लिए, ये मेरा सीपी हो गया। 16 आम में से 9 आम जो है मैंने 15 के भाव से बेची तो 15 नम्मा 135 की तो ये बिच गए, बाकी के जो आम है वो मैंने 14 के हिसाब से 14 7 98 बाकी के आम ये बेचे। टोटल देख लेते एसपी कितना बना, ये हमारा सीपी है, ये एसपी हो जाएगा, तो सीपी तो 160 हो गया। यहाँ देखेंगे 8 और 5 13 की 3, 1 कैरी 13 3 और 1, 233 में बेचा। टोटल मिला के अगर हम बेनिफिट देखेंगे तो 4 और 3 7 73 का फायदा कितने पे, 160 पर इंटू कर देंगे 100 का, बाकी कैलकुलेशन तो करनी होगी। 1010 हटा दो, 2 8 16 2 से 5 बार देख लेते हैं, 5 3 15 की 5 हो गई, 1 कैरी 5 7 35 और 1 36, 365 बट्टे में हो गया 8, 8 चौक 32, 4 से ऑप्शन 2 है हमारे पास, 8 चौक 32, 32 के बाद में बचा कितना, आप बोलोगे सर यहाँ 4 बचा और 5, 8 5 40, 5 बार जाएगा, 0.625 आपका राइट आंसर होगा, कितना 45.625 ऑप्शन नंबर ए, बताओ कितना सिंपल था। मैंने क्या किया, 120 रुपए वाले आम को मैंने 12 से भाग किया तो एक आम की कीमत आई 10 रुपए, तो 16 आम मैंने खरीदे 160 के, 9 आम 15 के भाव से बेचे, बाकी के 7 आम 14 के भाव से बेचे, 0-0 लगाने से कोई मतलब नहीं, लास्ट में कट जाएगा, ये एसपी बना ये सीपी बना, यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने थोड़ा आगे कर दिया क्योंकि मेरा काम आप लोगों को सिखाने का है,
ठीक है, मुझे करना नहीं है, करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं, मेरा काम है सिखाने का। एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, फिर और 3% की कमी की जाती है, अंतिम संख्या दे रखी है और प्रारंभिक संख्या पूछी तो उस संख्या का 5% कितना, उस संख्या का, तो पहले तो प्रारंभिक संख्या पे पहुंचेंगे 5%। मैंने आप लोगों को बोला है कि देखिए जब हम इनिशियल नंबर से फाइनल नंबर पे जाते हैं तो सीधी फ्रैक्शन का प्रयोग होता है, और अगर फाइनल से इनिशियल पे जा रहे हैं तो उल्टी फ्रैक्शन का प्रयोग करना होता है, ये बात याद रखें। मैंने बोला कि देखो भैया पुरानी संख्या मुझे नहीं पता, फाइनल दे रखी है 2619, तो इसमें उल्टी फ्रैक्शन कहने का मतलब है ऊपर 100 आएगा बट्टे में आएगा कितना, 8% वृद्धि है तो 108 लिखेंगे मल्टीप्लाई, 3% कमी है तो 100 बट्टे में लिखेंगे 97, कमी बोला है इसलिए। आगे बोला है क्वेश्चन में ताकि उस संख्या का कितना निकालना है मुझे 5%, उस संख्या का 1/20 और निकाल लो, 1/20 क्यों, 1/20 5% कितना होता है, 1/20 होता है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। चार से काटेंगे तो 25 बार काटेंगे और 4 से 26 27 बार ये कटेगा, ये नंबर अगर हम देखेंगे 77 49, मुझे लगता है ये पूरा एग्जैक्ट कटेगा, ये वैल्यू पूरी कट जाएगी, बचेगा कितना 20 से इसे भी तो काटो, 20 5 100 तो 25 5 125, राइट आंसर क्या हो जाएगा 125 आपका राइट आंसर होगा, पता हो कितना सिंपल था, इससे सिंपल कोई हो सकता है क्या, लेकिन कब, जब 77 49 हो गया, यूनिट डिजिट आ गई तो मुझे लगता है वो कटेगी वैल्यू, ठीक है थोड़ा सा ब्रेन तो यूज करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दौड़ का क्वेश्चन है, 200 मीटर की पैदल दौड़ में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती है, कौन, जकिया, ठीक है। तो सबसे पहले दौड़ देखो, दौड़ कितनी लंबी है, आप बोलोगे सर 200 मीटर की दौड़ है, पहले समझो जकिया कितने की चाल से चल रही, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। वह वीना को 20 मीटर की शुरुआत देती है, कहने का मतलब है वीना जो खड़ी है, वीना इससे 20 मीटर आगे खड़ी है, ठीक है, कितनी मीटर, 20 मीटर, तो वीना को ट्रेवल कितना करना होगा, आप बोलोगे सर 180 ट्रेवल करना है, और अगर जकिया को देखा जाए तो 200 मीटर ट्रेवल करना, यही तो कहानी है, और फिर भी उसे 18 सेकंड से हरा देती है, फिर भी इसे शुरुआत देने के बावजूद भी 18 सेकंड से हरा रही है, तो इसका मतलब है इसने 180 भी ट्रेवल नहीं कर पाई जकिया से पहले, क्योंकि जकिया पहुंच गई और ये कहीं ना कहीं वीना पीछे होगी, कितने सेकंड पीछे, 18 सेकंड, तो हम ये देखेंगे कितने मीटर पीछे छोड़ दी, तो हम लोग क्या करेंगे, जकिया का हमें स्पीड देखिए 5 किलोमीटर, तो इसको चेंज करेंगे 5/18 इंटू कर दो 18 सेकंड का, तो 18 से 18 गए 25 मीटर। कहने का मतलब है कि अगर मैं टाइम में बताऊंगा कि वीना कितनी पीछे है तो आप बोलोगे कि 18 सेकंड पीछे है, लेकिन अगर मीटर में बोलूंगा तो 25 मीटर पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि जकिया अगर यहां पर पहुंच गई है तो वीना मात्र कहां पहुंच पाई है, इतनी पीछे, मतलब 25 मीटर की ये डिस्टेंस पीछे है। तो ओवरऑल अगर हम देखें वीना ने ट्रेवल डिस्टेंस कितनी की, तो 20 मीटर यहां पर तो हट गई, 25 मीटर ये हट गई, 200 में से 45 हट गया, तो 155 मीटर ये ट्रेवल कर रही है, वीना कितना ट्रेवल कर रही है 155 मीटर। तो वीना की औसत गति क्या है, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमने देख लिया कि वीना ने कितनी ट्रेवल की डिस्टेंस 155, समय और मिल जाए, तो अगर मैं यहां पर देखूं समय, तो भाई अगर मैं जकिया का समय निकालूं तो वही वीना का टाइम होगा, वही वीना का टाइम होगा, जितना जकिया का समय होगा उतना ही वीना का टाइम भी होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा यहां पर क्या है कि खेल हमारा जो है ये 18 सेकंड की डिस्टेंस है, खेल हमारा जो है कि अगर हम जकिया का टाइम निकालेंगे तो वो यहां तक निकलेगा, लेकिन 18 सेकंड की जो दौड़ है ये वीना ने ट्रेवल की नहीं है, तो इसको भी ध्यान रखना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 5 किलोमीटर की चाल है, 200 मीटर हमें डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो टाइम निकाल लेते हैं, टाइम निकालने के लिए 200 मीटर का डिस्टेंस है और हमें 5 किलोमीटर की चाल दे रखी, 5 × 5/18 ऊपर यहां आ जाएगा सेकंड में टाइम, 25 8 200
अठारह अट्ठे 144 144 सेकंड का समय लगता है किसे जकिया को यहां पर पहुंचने में। अब 144 में से हमें माइनस करना होगा 18, क्यों 144 में से 18, इसलिए क्योंकि ये 18 सेकंड तो चल ही नहीं रही है बिना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो चली ही नहीं, क्योंकि यहीं पे ये जीत गई, उसके बाद तो मैच खत्म, उसके बाद तो रेस खत्म। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से 18 माइनस कर दूं तो 14, 14 में से 8 गए, हमारे पास बची कितने 8 गए, तो मतलब 6 बची, देन यहां 13 में से ये गया, तो 126 सेकंड का समय लिया। इतने समय में ये ट्रेवल कर रही, तो डिस्टेंस कितनी है भाई 155, और कितना समय लिया है 126। ये हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकंड, 155 बटे 126 मीटर पर सेकंड की चाल आ गई। बट किलोमीटर में पूछा है तो इसमें 5 बटे 18 का गुणा करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड सॉरी, तो हम लोग 18 बटे 5 का गुणा करेंगे मीटर पर सेकंड में, 18 से इसको डिवाइड कर दो 7 बार, 5 से इसको, 5 की 15, 5 एकम 5, तो 31 बटे में हो गया 7। इसको सॉल्व करना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए 7 चौक 28, 4 से है कोई ऑप्शन, 2-3 ऑप्शन है, 7 चौक 28, 28 के बाद बचा कितना 3 पॉइंट, यहां पर 0 लगाएंगे, 7 चौक 28 दोबारा 4, 4.4 के समथिंग, मुझे लगता है 4.5 बोला जाएगा, क्योंकि आगे और भी है, एक दो बार और जाएगा तो 4.42 किलोमीटर पर आर हमारा जो है राइट आंसर होगा। समझ गए मेरी बात? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और समझने वाला क्वेश्चन था, लॉजिक बेस अच्छा भी है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, ठीक है, जिससे कि मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर सकूं। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात दे रखा है, देखो नाव की चाल दे रखी है, बोट की चाल का अनुपात दे रखा है 8, और वाटर की चाल स्ट्रीम की चाल का अनुपात है 3। ठीक है, एक आर कांस्टेंट लेना चाहो तो ले लीजिए, ठीक है, ये चालों का अनुपात हो गया। आगे बोले नाव जो है धारा के साथ अनुकूल का मतलब होता है साथ, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में अगर मैं देखूं कि 24 मिनट में 22 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है, तो इसका मतलब है हम लोग चाल निकाल सकते हैं यहां से, तो हमें 22 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है कितनी मिनट में, 24 मिनट में, मिनट है तो बट्टे का 60 ऊपर ले लूं तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी, 6 चौके 24 होता है, 6 से 10 बार जाएगा, 2 से काट लो, 2 पंजे 10 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 से 11 होगा, 11 पंजे 55, तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार आ गई, कब डाउन स्ट्रीम है। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बी माइनस डब्ल्यू होता है, तो इन दोनों की चाल का योग देख लो भाई, योग क्यों कर रहे, क्योंकि डाउन स्ट्रीम की चाल पता है, तो यहां पर देखेंगे 8, 9, 10, 11, 11 रेशियो का मान कितना है, आप बोलोगे सर 55 है, 1 रेशियो का मान कितना है 11 पंजे 55, 5 का गुणा इसमें कर दो, 5 का गुणा इसमें, 8 पंजे 40, इसकी चाल आ गई 40 किलोमीटर, 3 पंजे 15 किलोमीटर प्रति घंटे की नाव की चाल आ गई। ठीक है, ये अब हम बोल सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा बोल सकते हैं। क्वेश्चन बोला तो नाव को धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम की बात की जा रही है, 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 50 किलोमीटर की दूरी अपस्ट्रीम में तय करनी है, तो एक बात बताओ मुझे अपस्ट्रीम में क्या होता है बी माइनस डब्ल्यू, तो बी माइनस डब्ल्यू करेंगे 40 में से 15 के तो 25 से विभाजित कर देंगे, तो यहां पर 25 दूनी 50 मतलब 2 घंटे का समय लगेगा, कितने घंटे का समय लगेगा 2 घंटे का समय लग जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा टाइम अपस्ट्रीम का, बताओ कितना सिंपल था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक रेलगाड़ी देखो भाई, एक रेलगाड़ी हमारे सामने है क्वेश्चन के अंदर है, मतलब एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 6 बजे निकलती है, एक रेलगाड़ी है जो कि पी से क्यू तक जा रही है, ठीक है, पी से निकलती है 6 बजे, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक अन्य रेलगाड़ी क्यू स्टेशन से पी के लिए 8 बजे निकलती है, ये पीएम पर निकली, अच्छा ये भी पीएम पर है, ये एएम पर नहीं है, ये पीएम पर है,
आगे देखेंगे ध्यान से, तो ये 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये दे रखा है 105 औसत गति से, इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी हमें 690 दे रखी है किलोमीटर। तो दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी या कितने समय बाद मिलेंगी, ठीक है, किस समय मिलेंगी ये हमसे पूछे। तो देखो भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपका काम होना चाहिए समय सेम, टाइम सेम होना चाहिए, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग करो। तो ये 6 बजे चल रही है, तो अभी 8 बजे तक खड़ी हुई है स्टेशन पर, तो 6 बजे से 8 बजे तक आने में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, पहला काम ये करो। तो 75 में 2 का गुणा कर दें, 2 घंटे में कितनी ट्रेवल की होगी, 150 मीटर कर ली होगी। तो ये अगर 150 मीटर है, इतने समय में तो कोई चांस ही नहीं है ये मिल ली, ठीक है, क्योंकि ये वाली रेलगाड़ी तो अपने स्टेशन पर खड़ी है। तो इसलिए इस डिस्टेंस को हम लोग निकाल देते हैं, माइनस कर दें 150। जब भी कभी टाइम अलग अलग हो तो पहला काम होना चाहिए टाइम सेम करने का, याद रखना। 0 यहां पर बचा, 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 1 गया तो 5, 540 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। रिलेटिव स्पीड देखेंगे, 105 में हम लोग जोड़ देंगे बाहर 75, 5 और दे दो मतलब 10, 80 हो जाएगा, 180 से विभाजित कर दो, रिलेटिव स्पीड होगी। टाइम निकलाएगा 0:0:18:54, मतलब 3 घंटे बाद ये जो है एक दूसरे से मिलेंगे। चले कितने बजे थे, 8 बजे चले थे भाई, समझना, क्योंकि ये 8 बजे चली, ये 8 बजे, अब 6 बजे नहीं चली, 8 में जोड़ देंगे कितना, 3 घंटे, 9:10:11, तो 11 PM पर ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलेंगी। ऑप्शन नंबर आप लोग सी लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 10, पाइप ए जो है एक खाली टैंक को, पाइप ए खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई। एक पाइप ए है हमारे पास जो कि कितने घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में भर सकता है, ये प्लस पॉइंट है। दूसरा बी जो है इसको प्लस पॉइंट है, ये भी 10 घंटे में भर सकता है, ओके। पाइप ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में जितना समय लगता है, टैंक में एक रिसाव के कारण दोनों पाइपों द्वारा इसे पूरी तरह से भरने में लगे समय से 1.5 घंटे अधिक समय लगता है। कहने का मतलब है जब तीनों पाइप खुले होते हैं तो 1.5 घंटे अधिक समय लगता है। तो पहले तो ये देख लो कि टंकी कितनी कैपेसिटी है, तो हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 30, 30 एकम 30, पहले 30 है ना, ओके 10 * 30 हो गया। जब हम इस टंकी को भरेंगे तो कितना समय लगेगा, आप बोलोगे सर 30/4, यहाँ नहीं ऊपर ही लगते हैं, कितना लगेगा 30/ में कितना लग जाएगा, 4, ठीक है क्लियर। 4 से विभाजित जब हम करेंगे तो 4 * 7 = 15/2, मतलब 7.5, कितने घंटे का समय लग रहा है, 7.5 घंटे में ये दोनों भर देते हैं। कब, जब कोई रिसाव नहीं होता है, लेकिन रिसाव होने के कारण इसको 1.5 घंटे अधिक लगता है, तो क्या 7.5 में मैं 1.5 और जोड़ लूं। तो अब जो है हमारे पास जो पाइप है वो ए प्लस बी देन माइनस सी के हिसाब से, माइनस सी दिशा वाला पाइप में मान लेता हूं, तो इसको 9 घंटे का समय लगता है, कितने घंटे का, 9 घंटे का, क्योंकि 1.5 घंटा और इसे अधिक लगता है, जब मैंने ऐड किया तो 9 बना, ठीक है 9 घंटे का समय लगता है। अब इसको भी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब देखो यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो तो केवल रिसाव के कारण टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब इसकी क्षमता निकालनी है तो हमें एलसीएम इसी एलसीएम में जोड़ना होगा, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी, अगर आप अलग दोबारा लिखते हो तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट याद रखना एलसीएम दोनों का सेम होना चाहिए, टैंक की कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 30/ में हो जाएगा 9, तो 30/ में 9 मतलब कितना हो गया, 3 * 10 = 3 * 9, 10/3, ये क्षमता होगी, 10/3 क्षमता किसकी होगी, ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता इतनी हो गई। अगर मुझे सी सी की चाहिए तो ए बी को हटा दूं, और ए बी मेरे पास है 4, 4 में से 10/3 अगर मैं घटा दूंगा तो 3 * 12, 12 में से 10 चली गई, बचा कितना 2/3। अब ये जो है 2/3 के हिसाब से यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, तो C का काम क्या है, पानी लीकेज करना, जो कि 2/3 के हिसाब से हो रहा है, तो इससे विभाजित कर दो। टंकी पूरी भरी हुई है, 2/3 ऊपर, 2 * 15, 15 * 3 = 45, 45 घंटे में जो है टंकी खाली हो जाएगी इस रिसाव के कारण, ऑप्शन नंबर D में देखने को मिल जाएगा। बताओ कितना सिंपल था, समझ गए मेरी बात।
इसका समय मिला हमें 7:30 था, 7:30 के बाद 1.5 घंटे अधिक थे, मैंने जोड़ लिया 9 घंटे हो गए, 9 घंटे इस पे लगा। मैंने क्या किया, यही एलसीएम रहने दिए, फिर दोबारा से एलसीएम लूँ, फिर कैलकुलेट करूँ इन तीनों का अलग एलसीएम लोगे, क्या फायदा उससे, इससे अच्छा है 10/3। देन ए प्लस बी को मैंने माइनस कर दिया तो सी का मान निकल आया, सी की क्षमता निकल आई, सी से भाग दे दिया, सेम। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को, एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए कार्य से आधे समय में पूरा कर सकते हैं, समझना। एक पुरुष मतलब ये वन मैन देन प्लस वन वुमेन, किसी कार्य को एक महिला एक वुमेन देन प्लस वन बॉय, ठीक है, द्वारा लिए गए समय, समय की बात हो रही है, से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। कौन आधे समय में, ये मतलब यहाँ 2 रेशियो अगर टाइम लग रहा है तो यहाँ 1 रेशियो लगेगा, ये हमारा टाइम का रेशियो है, क्लियर। अच्छा, टाइम का रेशियो उल्टा होता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो मैं यहाँ पर क्षमता का रेशियो कर देता हूँ 2:1, ठीक है। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्षमता की, अगर आप ज्यादा क्षमता से कार्य करोगे तो ज्यादा क्षमता से कार्य करने पर समय कम ही लगेगा, सिंपल सी बात है। अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, देखो क्वेश्चन बोला है, एक लड़का अकेला कहने का मतलब है वन बॉय जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, और दो महिलाएं मतलब टू बी, दो महिलाएं इसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में। एलसीएम ले लो सबसे पहले 60, 20 60 हो गया, 30 60 हो गया, 2b बराबर 2 है तो 1b बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1b बराबर तो 1, यहां वो मैंने क्या है, दो महिलाएं वो मैंने, दो वुमेन है यहाँ पे, तो एक वुमेन बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दो महिलाएं जो है दो काम करती हैं प्रति घंटे या प्रति मिनट, तो एक घंटे या एक मिनट में कितना एक महिला काम करेगी, एक काम करेगी, एक वुमेन की क्षमता 1 हो गई, लेकिन अगर एक लड़की की क्षमता देखूं तो वो 3 हो गई, और अगर इन दोनों को जोड़ लूं, एक वुमेन प्लस एक बॉय की क्षमता, ये हमारी 4 क्षमता बनी। लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक वुमेन प्लस एक लड़की की जो क्षमता है वो 1 है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर रेशियो में चेंजिंग लाना पड़ेगा, इसको 4 बनाना पड़ेगा, इसमें 4 का गुणा किया तो इसमें भी कर दो, ऊपर करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, हमें टाइम से मतलब नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखेंगे कि भाई एक वुमेन की क्षमता कितनी है हमारे पास में, एक वुमेन की क्षमता है 1, ये अगर एक महिला एक काम कर रही है, और टोटल क्षमता कितनी बनी हमारी 8, 8 में से एक तो ये काम कर रहा है, तो बाकी का काम एक आदमी कितना कर रहा होगा, आप बोलोगे सर 7 कर रहा होगा। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि इस कार्य को करने के लिए कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने आदमी, 4 पुरुष, तो देखेंगे 4 पुरुष के लिए 7 × 28, 4 × 7 कर दूं, क्षमता बनी 28, 28 घंटे मतलब 28 यूनिट एक घंटे में, हमारे पास टोटल वर्क कितना है 60 है, टोटल वर्क कितना है 60 है, तो 60 को विभाजित कर दो 28 से, तो 28 × 56, 56 के बाद में 2 पॉइंट समथिंग है, 56 के बाद में 4 बचे देन 0, 28 × 28 2.14 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या पूछा क्वेश्चन है कि 4 पुरुष, तो एक पुरुष की क्षमता 7 निकली, तो 4 पुरुष की कितनी होगी 7 × 28, 28 से भाग दे दिया हमने 60 को, 28 × 56.1, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, एक बर्तन में तरल पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है, एक बर्तन में तरल पदार्थ भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, जिसमें 5 भाग जल है, कहने का मतलब है हमें वॉटर जो दे रखा है वो 5 रेशियो में दे रखा है, और 11 भाग चाशनी है मतलब सुगर ले लीजिए कितना है 11 रेशियो है। आगे बोला है क्वेश्चन ने, मिश्रण को, मिश्रण का कितना भाग निकालकर, याद रखना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, मिश्रण को निकालने के बाद में जब उतनी मात्रा में कोई भी क्वांटिटी डाली जाती है, कोई भी चीज डाली जाती है, चाहे पानी या चाशनी, निकालने के बाद में जब भी कभी भाग आपसे पूछे, याद रखना भाग के केस में आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी बाद वाली आएगी, बाकी समय अगर ये लाइन नहीं बोली जाती, सीधे सीधे मिला देता सीधे सीधे, तो हम लोग भाग के केस में ऊपर वाले रेशियो का टोटल लेते। देखो समझो मेरी बात को, ये रेशियो हमारे पास लास्ट में रेशियो कितना हो रहा है 3:2,
अभी ये समझो कि हम मिला क्या रहे, इसमें देखेंगे कि प्रस्तापित कर दिया है, निकाल कर जल से प्रस्तापित, डाल क्या रहे, जल, जल मिला रहे, ठीक है, तो चाशनी में और जल हो जाए, कहने का मतलब है अनुपात में चाशनी और जल हो जाए, तो कहने का मतलब है कि जल मिला रहे, और अगर हम यहां पर वाटर मिलाते हैं तो सुगर की मात्रा समान होनी चाहिए, दूसरी क्वांटिटी, तो दो का गुणा इधर, दो का गुणा इधर, इधर करेंगे 11 का, इधर करेंगे 11 का, समझो ये तो हो गया 33 हमारे पास, और ये हो गया 5 दुनी 10 हो गया हमारे पास, ठीक है, ये हो गया 22, ये भी हो गया 22। अब यहां से ये देखो कि 10 से 33 हो रहा है, 10 से कितना हो रहा है, 33 हो रहा है, और हमसे पूछा है, इसमें कहीं गलती की है क्या, एक सेकंड, यहां पे जो अनुपात दे रखा है बेटा वो 3:2 चाशनी और जल हो जाए, कहने का मतलब है जल हमारे पास पहले, यहां पर रेशियो चेंज करेंगे, रेशियो उल्टा होगा क्योंकि ऊपर दिया हुआ है, ध्यान से देखें, ऊपर दिया हुआ है चाशनी और जल, ठीक है, ऊपर जो है उल्टा दे रखा है, यहां पे हमने वाटर लिया है, तो जल जो है, जल क्या है हमारा 2 और चाशनी क्या है हमारी 3, तो चाशनी को यहां पर हम लोग 3 करेंगे, 3 में इंटू 11 का, यहां 2, 2 में इंटू 11 का, ठीक है, ये हो जाएगा 22। अभी तो मैं सोचू ये कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा, ठीक है, यहां पर जल बाद में दे रखा है तो बाद वाले को हमने पहले ले लिया है क्योंकि हमारा वाटर इधर है, ओके। अब कितना भाग मिला दिया, अब देखो 10 से 22 हो रहा है, तो इसका मतलब है, अब इसमें 3 का होगा ना, एक सेकंड, बस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 15, ये दोनों समान हो गए, 11, 33, 33, यहां पर देखेंगे 15 से 22 हो रहा है, इसका मतलब है मैंने कितने रेशियो मिला दिया, आप बोलोगे 7 रेशियो मिला दिया। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिश्रण के कितने भाग को निकाल कर मिश्रण का कितना भाग निकाला गया, तो उस केस में टोटल क्वांटिटी, भाग की बात की जाए तो टोटल रेशियो बट्टे में जो आएगा वो ये वाला सम आएगा, जो इनका योग होगा 22 और 33, मतलब कितना 55, इन दोनों को जोड़ लेंगे 55, तो नीचे जो राइट आंसर होगा वो 55 होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं बोली होती कि मिश्रण के किसी भी भाग को हम नहीं निकालते, मिश्रण के किसी भी भाग को हम नहीं निकालते, और तब पूछता कि कितना भाग मैंने जो है यहाँ पे पानी डाल दिया, तो उस केस में हम लोग यहाँ के सम का इस्तेमाल करते, ठीक है, अंतर ये हो जाता, 7 बट्टे में आ जाता, 11, 33 और 15 जोड़ने का जो भी आता वो लेती, ठीक है, एक पॉइंट ये क्लियर हुआ। जैसे इसने मिश्रण के भाग को निकालकर, मिश्रण के भाग को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया या चेंज कर दिया पानी से, तो याद रखना टोटल वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगी, ये वाली, क्यों, क्योंकि ये वाला जो रेशियो बनता है, ये जो रेशियो बना है आपका, ये तब बना है 7 रेशियो निकालने के बाद, ये जो रेशियो है इसमें मैं जब सॉल्व कर रहा हूं, ये सॉल्व तब कर रहा हूं मिश्रण को निकालने के बाद का रेशियो है, ये बात याद रखना, ठीक है, मिश्रण को निकालने के बाद का रेशियो बनता है यहाँ पे, इसलिए यहां से नहीं लेना, अगर आपको लेना है तो वापस जाना पड़ेगा, और वापस जाने के लिए हमें दोबारा ऐड करना पड़ेगा 7, यहां पर जो आएगा हमारे पास कितना हो गया, ये 33 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया, 15 हो गया, 33 और 15 जोड़ेंगे तो शायद 48 हो जाएगा, कहने का मतलब है कि इसको अगर मुझे देखो 48 जो आया उसने 7 यूनिट निकाला, कितना निकाला, 7 रेशियो निकाला, या बोल सकते हैं यहां से जो पहले उसने मिश्रण निकाला है 7 रेशियो निकाला है, तभी तो हम लोग पानी की मात्रा 7 यहां पे ज्वाइन कर रहे हैं, टोटल मात्रा कितनी है, तो अब इसमें क्या करेंगे भाई, 7 जोड़ो ना, 7 जोड़ो ना पहले, जब ही तो पता चलेगा कितना भाग निकाला, तो टोटल 7 भाग निकाला, कितने में से, 55 में से, तो इसलिए 7/55 आपका राइट आंसर होगा, याद रखना आगे से मेरी बात को समझ के, अगर ये निकालने वाला भाग नहीं बोलता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, चलिए वैसे भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, सीखो, नहीं आता सीखो। पी ने एक वर्ष के लिए 4,000 रुपए निवेश किए, कुछ महीनों के बाद में क्यू जो है 3 जीरो हटाई दो पहले से, सिंपल वैल्यू है,
तो हमारे पास पी जो है 4000 रुपए लेकर आता है, उसके बाद में क्यू जो है, पी एक वर्ष के लिए ला रहे हैं, क्लियर बोल रहा है, क्यू जो है 6000 रुपए लेके आता है, ठीक है। आगे बोला है पी और पी के साथ शामिल हो गए, यदि एक वर्ष के अंत में इनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 4:3, मतलब इसको 3 का प्रॉफिट, इसको 4 का प्रॉफिट, तो एक काम करो 6 से काट लो, 6 × 6, 6 × 12, 4 × 8, इनका अनुपात बना प्रॉफिट का मेरे अकॉर्डिंग कितना, 8:1, क्योंकि इसमें समय नहीं है, इसमें पता नहीं कितने का गुणा करूं जिससे ये 3 बन जाए, कटने पे जैसे भी है अनुपात में 3, तो हम ये देखेंगे 4 × 2 कितने का मल्टीपल है, 2 का, तो इधर भी 2 का गुणा कर दो, तो यहाँ पर रियलिटी में जो होगा वो 6 होगा, तो ये 6 महीने का गुणा हो रहा होगा, इसमें कितने का गुणा हो रहा होगा भाई, 6 महीने का गुणा हो रहा था, 6 महीने का। तो क्वेश्चन यहां से 2 सवाल पूछता है, कितने महीने तक वो व्यापार में शामिल रहा, 6 महीने तक, और कितने समय के बाद आया, तो 6 महीने बाद, क्योंकि व्यापार 12 महीने का है, तो हमसे पूछा कि कितने महीने के बाद शामिल हुआ, तो 6 महीने, तो उसने काम किया, तो बाकी कितने महीने निकल गए, तो 6 महीने के बाद में आया, तो हमारा जो राइट आंसर होगा यहाँ पे 6 माह, तो आपका राइट आंसर 6 माह हो जाएगा, समझ गए मेरी बात, 6 महीने तक बिजनेस में रहा तो 6 महीने बाद ही आया होगा, 1 साल तक चला है। आगे चलते हैं, 2 संख्याओं का औसत हमें 48 दे रखा है, तो एक बात बताओ योग कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 48 × 96, ठीक है, योग 96 हो गए, यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, बाद में अनुपात बोला जाता है कि 11:20 हो जाता है, कहने का मतलब है 3 जोड़ने के बाद में 11:20 हो जाता है, तो एक बात बताओ टोटल योग कितना हो गया, आप बोलोगे सर 31 हो गया, तो 31 रेशियो का मान क्या 96, 48 × 96 कब था, इससे पहले कोई और रेशियो रहा होगा, ये तो 3 जोड़ दिया जाए तो उनके बीच का अनुपात 11:20 हो जाता है, पहले कोई और था, 3 जोड़ने के बाद में ये अनुपात है, तो 48 × 96, 96 में 3 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 99, तो 1 रेशियो का मान जब आप निकालोगे तो 99/31 हो जाएगा, ये 1 रेशियो का मान है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 में गुणा कर देंगे कितने का, 99/31 का, इसको सोल्व कर लो भाई, करना तो पड़ेगा, एक काम ये कर सकते हैं हम लोग, 31 तिया 93 बचे कितने हमारे पास 6, 31 × 2 मान लो लगभग, तो पॉइंट से ये 0 हटा दो, 32 × 64 के आसपास होगा ऑप्शन, और 64 के आसपास जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर होगा, तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 64 हो जाएगी, 3 तो हो नहीं सकती, 40 हो नहीं सकती, 70 हो नहीं सकती, 64 मतलब ये अप्रोक्स में है, ठीक है, लगभग में 63.87, परफेक्ट निकालिए तो परफेक्ट भाग दे दीजिए 31 से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी क्यू एक व्रत की जीवा है, हमारे क्वेश्चन में बोला है पी क्यू एक व्रत की जीवा है, ठीक है, व्रत पर बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर बढ़ाई हुई एक भुजा पी क्यू, एक भुजा पी क्यू को आर पर काटती है, एक्स आर बराबर 12 है, पी क्यू बराबर एक्स है, तो क्यू आर बराबर एक्स माइनस 2 है, तो हमें एक्स का मान बताना है। देखिए सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है, पहले ये समझ लो, पी क्यू एक वृत्त की जीवा है, वृत्त पर बिंदु एक्स पर स्पर्श रेखा एक्स आर है, एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम है एक्स आर, और पी क्यू को आगे आर पर काटती है, तो पी क्यू एक जीवा है, ये जीवा मैंने ले ली जो कि आर को काट रही है आगे चल के, एक जीवा है, दूसरी टेंजेंट है, एक हमारे पास कॉर्ड दे रखी है, ये हमारे पास स्पर्श रेखा है, ओके। आप लोगों को पता है इनका रिलेशन क्या होता है, बिल्कुल, कि इनमें से कोई भी चीज दे रखी होगी, एक चीज मिसिंग होगी वो पूछी जाती है, तो इसका 2 बार गुणा होता है, मैंने आप लोगों को बेसिक में बहुत अच्छे से सिखाया, 2 बार गुणा इसका, इसका पूरे का गुणा, फिर इसका आधे का गुणा, दोनों बराबर होते, बहुत सिंपल है। तो ये हमें दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर, ये PQ बराबर हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर, और ये हमें X माइनस 2 सेंटीमीटर दे रखा है, इतना डाटा हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12, सबसे पहले ये कर लो कि यहां से यहां तक की दूरी देख लो, तो ये दूरी नापेंगे तो इनको जोड़ देंगे, X में X जोड़ेंगे तो 2X - 2, ठीक है, ये पूरी होगी, देन इसमें गुणा करते इसका, तो X माइनस 2 कर दूं, देन बराबर हो जाता है इसका, मतलब 12
और अगर ये सिंगल होता है, अगर ये अंदर से होती तो दोनों का गुणा होता, ठीक है, टोटल का और आधी का, तो इसलिए यहां पर यही है। तो एक बार और इंटू कर दो 12 का, 12 12 हो गया हमारा 144। अब यहां से बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लोग गुणा कर लीजिए, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू पूछिए, एक्स का मान ऐसा पुट कर दो जिन दोनों का गुणा करने पे 144 आ जाए। तो अगर आप देखो, मान लो सात वैल्यू को, 7 × 2 = 14 में से दो गए 12, ठीक है, और 12 यहां आया 5, क्योंकि 7 में से दो गए तो 5, 12 × 5 = 60 होता, नहीं हो सकता, 60 हो रहा है, 6 से तो होगा नहीं, 10 से देखेंगे तो 10 × 10 = 20, 20 में से दो गए तो 18 मल्टीप्लाई 10 में से दो गए तो 8, 18 × 8 = 144 होता है, ये वेरीफाई हो गया। तो इसका मतलब है कि x का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बाकी आप इक्वेशन सॉल्व करके भी कर सकते हो। समझ गए, बताओ कितना सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक घन का भार सीधे उसके आयतन मतलब वॉल्यूम उसके घनत्व, घनत्व क्या होता है, डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी के गुणनफल के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है भाई। पहले घन और दूसरे घन के पदार्थों घनत्व दे रखा है, रहने का मतलब है यहां पर दो क्यू है तो क्यू फर्स्ट क्यू टू के हमें घनत्व मतलब डेंसिटी का रेशियो दे रखा है कितना, 27:16, ठीक है। आगे बोले यदि पहले घन का भार, भार मतलब वेट, वेट की अगर मैं बात करूं, और दूसरे घन के भार का 4 गुना है, मतलब इसका भार अगर 1 है तो इसका कितना होगा, 4 गुना होगा, ये भार का अनुपात, ये दोनों हमें दे रखा है, ओके। क्वेश्चन बोले तो पहले घन का और दूसरे घन की भुजाओं से अनुपात चाहिए, भुजाओं से भुजा निकालनी है, तो अब हमें यहां पर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है घन का, वॉल्यूम ऑफ क्यू की अगर मैं बात करूं तो वो होता है ए क्यू। अगर मैं आयतन निकाल लूं यहां से, अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूं तो हम क्या भुजा निकाल लेंगे, ए क्यू सीधे फॉर्मूले में रख देंगे। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि सबसे पहले वॉल्यूम यहां पर इस फॉर्म में अगर हमें निकालना है तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी, वेट अपॉन डेंसिटी कर लो, तो वेट कितना है हमारे पास 4 है, देन अपॉन में डेंसिटी कितनी है यहाँ पे 27 है, यहाँ देखेंगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 16, 16 × 64 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये दोनों तो आगे हमारे पास क्या वॉल्यूम, आयतन आ गया भाई, आयतन का अनुपात भी बोल सकते हो। जब आयतन आ ही चुका है और अगर हमें भुजा निकालनी है तो AQ का मान देखो, एक सॉल्व करके दिखा दूं, AQ का मान मान लो 64 है तो Q उठाएंगे तो Q रूट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बाहर निकालेंगे तो 4 × 16 = 64 ही दोगा, तो सीधे सीधे Q रूट लगा दीजिए फिर यहाँ पे, समझ लो, करने के लिए तो आप आसानी से कर लेना। ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 3, 3 × 9 = 27 होता है, तो 4:3 भुजाओं का अनुपात होगा, तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3, ऑप्शन नंबर डी, बोलो हाँ है कि नहीं। अब वीडियो को लाइक कर दो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, 17 क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पहले पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हर कोई नहीं कराएगा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाओं में किसी बिंदु के चौराहे पर एक घंटाघर खड़ा है, कहने का मतलब ये है, एक हमारे, पहले समझ लो, एक हमारे पास में इस प्रकार से, पहले बड़ा बना लेते हैं, समझा देते हैं फिर छोटा बना देते, तो ये हमारे पास में एक चौराहे है, ठीक है, और घंटाघर जो है यहां पर लगा हुआ है, ये क्या है हमारे पास घंटाघर, एक डायरेक्शन इधर है एक ऊपर है, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है। अब हमसे ये बोला है कि एक घंटाघर चौराहे पर लगा हुआ है, इतना हो गया हमारा क्वेश्चन, समझना मेरी बात, कि पी क्यू आर एस उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम में, तो पी यहां पर पॉइंट है, क्यू हमारा पूर्व में है,
ये हमारे पास R है और ये हमारे पास S है। PQRS चारों पॉइंट दे रखे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। आगे बोला है यहाँ टावर के शीर्ष से उन्नयन कोण दे रखा है। देखो भाई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, मान लो यहाँ पर खड़े हो आप, समझ लो अच्छा क्वेश्चन है। ये है टावर, यहां से जब आप देखोगे तो ये इस टाइप से एंगल बना रहा होगा। यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा होगा तो इस टाइप से एंगल बनाएगा, ठीक है, उस घंटाघर के शीर्ष को देख रहा होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से बनेगा, ये यहां पे 90 डिग्री बनेगा, समझ लो मेरी बात। यहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, और ये वाला एंगल पता नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा एंगल बीटा दे रखा है तो ये बीटा हो जाएगा। सेम ऊपर से जब हम देखेंगे यहाँ पे तो ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो मेरी बात को समझना, मैं यहाँ पे एक ही लट्ठा बना रहा हूँ और एक ही लट्ठे को ऐसे डिनोट कर रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ, ये एक लट्ठा तो खड़ा है बट ये लट्ठा सीधा खड़ा है, ये बात याद रखना। मैं टेढ़ा बना रहा हूँ लेकिन सीधा खड़ा हुआ है ऐसे समझना, ये सीधा लट्ठा है। तो अच्छा, ये सीधा लट्ठा है तो ये यहां से भी एंगल बनाएगा, यहां से भी एंगल बनाएगा, यहां से भी एंगल बनाएगा और यहां से भी एंगल बनाएगा, चारों तरफ से बनाएगा कि नहीं बनाएगा एंगल। यहां से देखो, समझ लो, यहां से जो एंगल बनेगा, यहां से जो एंगल बनेगा, ये तो 90 डिग्री हो गया क्योंकि भाई ये लट्ठा खड़ा हुआ है तो यहां पे तो 90 डिग्री बनेगा। और यहां से अगर कोई व्यक्ति देख रहा है इस लट्ठे के शीर्ष को तो ये अल्फा हो गया। सेम प्रोसेस ये लट्ठे का पॉइंट में के मान लेता हूँ, ये सेंटर पॉइंट ओ, ये पॉइंट के ले लिया। तो यहां से अगर कोई व्यक्ति देखेगा इस लट्ठे का शीर्ष, ये लट्ठा है, ओ के क्या है मेरा, ये घंटाघर या फिर लट्ठा जो भी समझ लो, ओ के क्या लट्ठा है। तो यहां से तो हमने देख लिया 90 डिग्री होगा, लेकिन यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 डिग्री नहीं है भाई, मेरी बात को समझो, ये थोड़ा सा मैं स्ट्रेट बना रहा हूं, ये सिर्फ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक लट्ठा है, ठीक है, और इस लट्ठे पे ये 90 डिग्री है, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, इसका नाम के है इस पॉइंट का, क्योंकि ये लट्ठा एक ही है इसलिए ओ के नाम भी एक ही देना होगा, और ये जो है हमारे पास में यहां पर हो जाएगा बीटा। सेम इसी लट्ठे को मैंने इधर की तरफ देखा तो यहां से जब ये व्यक्ति अगर देखता है लट्ठे के शीर्ष को देख रहा है, जब ये व्यक्ति लट्ठे के शीर्ष को देखता है दक्षिण वाला तो ये बनाता है गामा, और जब पश्चिम वाला लट्ठे के शीर्ष को देखता है तो ये वाला जो एंगल बनता है हमारे पास, ये बनता है डेल्टा। समझ गए चारों एंगल, क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री क्योंकि लट्ठा सीधा खड़ा हुआ है, स्ट्रेट अगर हम देखेंगे, अगर कोई बीच में लट्ठा खड़ा हुआ है, बीच में लट्ठा खड़ा हुआ है तो इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, सिंपल सी बात है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये हमारे पास हो गया, हमसे पूछा पीक्यू और आरएस का होल स्क्वायर क्या होगा, तो भाई ये क्वेश्चन तो अच्छा है, इतना क्वेश्चन तो हम लोग समझ गए। यहां से हम लोग एक चीज निकाल सकते हैं, वो क्या कि देखो भाई अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस ट्रायंगल में आप लोगों को पता है कि अगर मैं टेन अल्फा लगाऊं तो आप लोग बता सकते हो कि टेन अल्फा किसके बराबर होगा। टेन अल्फा अगर मैं देखूं तो अल्फा जिस एंगल को ले रहे उसके सामने होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, अच्छा वो तो हाइपोटेनस होगी, उसे बाहर में जाने दो, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया। ये अगर मेरे पास लंब है जो कि ओके के नाम से जाना जाता है और ओके के अपॉन में आ जाएगा क्या ओपी, क्या ये टेन अल्फा का मान होगा। टेन अल्फा मतलब टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर मैंने ओके ले लिया क्योंकि एंगल के सामने वाला जो है हमारे पास ओके वो लट्ठा है, एंगल के सामने वाला सामने वाली जो भुजा है वो ओके है, मतलब जो कि घंटाघर है वो ओके, और आधार ये हो गया जो कि रोड है, समझ गए मेरी बात, ये रोड है, ये लट्ठा है या घंटाघर है। तो सेम प्रोसेस अगर मैं टेन बीटा के साथ देखूं, समझो ध्यान से, टेन बीटा में भी लट्ठा तो सेम होगा बट रोड चेंज होगा तो ओ क्यू हो जाएगा क्या रोड। सेम प्रोसेस अगर मैं टेन गामा के साथ देखूं तो ओके तो हमारा सेम होगा बट यहां पर क्या हो जाएगा, ओ से आर हो जाएगा क्या। सेम प्रोसेस अगर मैं यहां पर देखूं, थोड़ा सा छोटा और करूंगा मैं, सेम प्रोसेस अगर मैं टेन डेल्टा के हिसाब से देखूं, ठीक है, तो ओके तो हमारा लट्ठा सही है बट ओके के साथ में ओ से एस भी तो हमारा आधार हो जाएगा,
ये चारों चीज निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ओके 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 कॉमन है, वो वैल्यू कट जाएगी। ओके को आप चाहो एक्स से डिनोट कर लो, लेकिन लास्ट में कटेगी। ठीक है, आगे देखो, हमसे पूछा गया पी क्यू और आर एस का होल स्क्वायर, पी क्यू और आर एस का होल स्क्वायर। तो पी क्यू यहां पर कहां है, एक और डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए। समझो, ये पी क्यू आर एस हमसे पूछ रहा है, पी क्यू और आर एस का होल स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर अगर निकालना है तो ये 90 डिग्री, अब कर लो। तो पी क्यू का जो होल स्क्वायर होगा उसमें मदद मिलेगी हमारी पीओ की, ये जो पॉइंटर ओ है। पी क्यू का जो होल स्क्वायर होगा, आप लोग क्या बता सकते हो, पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, मैं समझा रहा हूं बस। पी क्यू का जो होल स्क्वायर होगा बराबर, वो होगा पी ओ का होल स्क्वायर देन प्लस, या ओपी लिख लीजिए, ओ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ओ पी का होल स्क्वायर देन प्लस हो जाएगा क्या, ओ क्यू का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस अगर हम डिवाइडिंग में देखेंगे तो पी क्यू के बाद एस आर दे रखा है, या आर एस का होल स्क्वायर देखेंगे तो आर एस का होल स्क्वायर हो जाएगा ओ से ओ एस का होल स्क्वायर देन प्लस ओ आर का होल स्क्वायर। बोलो सही बात है कि नहीं, इतना समझ के मेरे पास। चलिए तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ समझाने के लिए बोला था, क्योंकि पी क्यू इसमें बना था तो थोड़ी सी दिक्कत आती। अच्छा, अब इसमें क्या वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कैसे करेंगे सर, तो देखो मेरी बात को समझना, इस कंटेंट को हम लोग उधर लेके चले, इधर ले लो। ठीक है, अब हमें क्या है, पी क्यू और आर एस तो निकालना है, निकालना है। ठीक है, ओपी का मान निकालना है, तो ओपी बराबर क्या, आप लोग ओपी को इधर भेज के टेन अल्फा नीचे ले लेंगे, टेन अल्फा नीचे आ जाएगा, तो यहां से ओपी इक्वल टू हो जाएगा ओके अपॉन टेन अल्फा। सेम यहां से ओ क्यू बराबर ओके बट्टे में हो जाएगा टेन बीटा, समझ लो भाई। ठीक है, यहां ओ आर जब आप निकालोगे तो ओके बट्टे में आ जाएगा टेन गामा, क्योंकि इसको नीचे ले लेंगे। यहां से ओ एस जब निकालोगे तो ओके के बट्टे में क्या टेन डेल्टा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। ओपी ओपी का होल स्क्वायर देखो, ओपी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे, समझ लो अब ध्यान से, हमें थोड़ा सा बहुत हो गया डिटेल में, ओ पी का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो ओ स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब टेन स्क्वायर अल्फा को जब मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये हमारा कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अच्छा, ओके अपॉन टेन अल्फा, ओके अपॉन टेन बीटा, ओके अपॉन में हो जाएगा टेन गामा, ओके अपॉन में हो जाएगा टेन डेल्टा। तो ओके ओके तो सबका कट जाएगा, ओके ओके तो सबकी वैल्यू कट जाएगी, कॉमन लेने के बाद में अगर आप यहां पर कॉमन लोगे तो ओके तो कट जाएगा। ये बचा है वन अपॉन टेन अल्फा, तो वन अपॉन टेन थीटा बराबर होता है किसके, कॉट थीटा के। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वन अपॉन टेन को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो यहां लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर बीटा कॉट स्क्वायर गामा प्लस कॉट स्क्वायर डेल्टा। तो ये आप लोगों का फाइनल उत्तर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल था, सिंपल है, इतना टफ नहीं है, स्टेप मिस वाला क्वेश्चन है, बट मेरा काम था समझाने का, ये भी जरूरी नहीं था लिखना, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, बट ये है कि आप लोगों को समझ में आएगा तभी आप लोग स्टेप मिस कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, वन अपॉन टेन को कॉट में चेंज कर दिया। यहां पर ऑप्शन में जो है सी और डी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये दो ही ऑप्शन दिए हैं जो कि इसका आंसर सी और डी में से कोई होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, याद रखना, क्योंकि वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन आएगा, जब हम ऊपर लेंगे वैल्यू को घुमा के तो वो बराबर कॉट के बराबर हो जाएगा, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा कॉट डेल्टा लाइन से होंगे। ओपी हमारे पास यहाँ पर ऊपर है और ओक्यू यहां पर है और यहां पर टेन अल्फा है ओ एस, ओ आर गामा दे रखा है,
अच्छा ये हमने जो है इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, इधर इसे इधर उधर कर सकते हैं। ओ आर का स्क्वायर भी ले सकते हो पहले, क्योंकि यहाँ पे जब हम ट्राइंगल ले रहे हैं तो ओ आर का स्क्वायर ले लो, ओ एस का स्क्वायर, इसे कोई दिक्कत नहीं, नीचे प्लस चेंज हो जाए बट ऊपर वाली वैल्यू नीचे ना आ जाए, इतना याद रखें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर गामा हो जाएगा, कॉट स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो टर्म दे रखा है 4 की पावर a प्लस 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ये समझो। तो हम लोग क्या 4 की पावर a गुणा 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन माइनस यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 4 की पावर a है, देन मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, डिवाइड 15 और यहाँ मल्टीप्लाई 4 की पावर a, देन माइनस 2 की पावर 2, 4 कर लो चले, 4 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 की पावर a, इतना समझ गए। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ माइनस लगाए, यहाँ माइनस लगाए, 4 की पावर a, 4 की पावर a, 4 की पावर a, 4 की पावर a, ये सब कॉमन लेने के बाद में क्या कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 4 चौक 16, 16 256, 4 का क्यूब, कलर चेंज कर लेते हो, यहाँ ऊपर देखेंगे 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, माइनस 5 और यहाँ कितना हमारे पास 4 चौक 16, 16 पंजे 80 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 15 माइनस 4 यहाँ नीचे हो जाएगा, 15 माइनस 4 नीचे तो बचा 11, ऊपर देख लेते हैं तो 80 माइनस करना है, 6 में से 0 गए तो 0 बचे, देन 5 में से सॉरी 6 बचे ना, देन 15 में से 8 गए हमारे पास 7, 176 बचे, कितने बचे 176 बचे। अब इसको डिवाइड कर दो भाई, अच्छा 11 से डिवाइड होता रहे, 11 एक कम 11 हो गया, 11 छिंग 66 हो गया, 16 आपका राइट आंसर हो गया। इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, छोटे एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अगर समझ पाओ तो। देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, या इसे ऐसे लिखो 2 प्लस 2, किसी किसी को समझ में नहीं आया तो समझ लो, 2 की पावर 4 लिखा हुआ, 2 प्लस 2 मैंने तोड़ के लिख दिया जिससे कि ऐसी फॉर्म बन जाए, तो 2 की पावर 4 हमारा हो जाएगा 16, ठीक है, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया। अब यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2 की पावर 2 देन मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो क्या ये भी हमारे पास 16 ही होगा, बोलो जी, 2 दूनी 4 होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 तो कितना हो जाएगा 16 ही तो हो जाएगा। तो जितना यहां पर आने वाला था वही हम लोग इसे एक्सप्रेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ के होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 वाले में बोला है मान लीजिए x का मान दे रखा है 222, 224, देन y का मान दे रखा है 322, यदि 23x और a इंटू वाई का उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब x ये बोला है गुणनखंड x और y से पूरी तरह से विभाजित है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एक ऐसी संख्या होगी जो कि x और y मतलब इन दोनों नंबर से विभाज्य है, तो सीधी सी बात है इन दोनों का मल्टीपल होगी, इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल होगी, हो सकता है वो संख्या इनके पास ही हो, तो एक काम करता हूं x की वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, तो 23 देन गुणा x का मान है 224, ये एक संख्या मैंने बना ली, ठीक है, मैंने x का मान पुट कर दिया। अब अगर मैं देखूं ध्यान से, हमें अगर a का मान निकालना है, a का संभावित मान पूछे, तो a का मान अगर निकालना है तो y के मान से ये विभाजित करके देख लो, तो अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा कितने से 322 से, अगर ये 322 से डिवाइड हो जाती है वैल्यू, ठीक है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि a का मान कितना हम लोग रख ले, तो a का मान जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितना भी है तो वो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो 23 से इसको विभाजित करेंगे तो 23 से 23 एकम 23, 23 चौक 92, 14, 14 से इसको डिवाइड करो, 14 एकम 14, 14 छक्के 84, ठीक है 16, तो इसका मतलब है 16 क्या हो जाएगा हमारा, a का मान रख सकते हैं, बस हो गया क्वेश्चन का उत्तर 16, राइट आंसर होगा 16 क्या होगा, राइट आंसर होगा, समझो मेरी बात। अब अगर मैं इसके मासा की बात करूं, HCF की बात करूं, तो HCF जो होगा इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर कौन कौन से हमारे पास, एक तो हमारे पास 23 है, x है, मतलब 23 इंटू 224 में गुणा नहीं करूं, आप लोग कर लेना, यहां पर दूसरा नंबर हो जाएगा हमारे पास कितना 16 इंटू कितना 322 हो जाएगा, 322, ये दो संख्याएं हमारे पास, किसी को समझ में नहीं आया तो समझ लो, ये दो संख्याएं मैंने बना ली भाई, 322 में 16 का गुणा हो रहा है, इसमें हमारे पास 23 का गुणा हो रहा है, तो ये दोनों नंबर जो है
ये दोनों नंबर जो है हमारे x और y से विभाज्य है। x का मान 224 है तो ये इससे तो विभाज्य है ही है, और इसका मान कितना है हमारा 322 है तो ये भी इससे विभाज्य है। तो a का कितना मान रख दूं मैं, 16 मान रख दूं, तो इसका मतलब है 16 हमारा राइट आंसर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ गए मेरी बात, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। एक लड़की अपने बगीचे में पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान हो। प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या क्या हो, समान हो। बगीचे में 10 पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या 12। देखिए भाई 12 एक पंक्ति में है तो टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, 10 पंक्ति है तो आप बोलोगे सर 120 पेड़ है। कितने पेड़ है, 120 पेड़ है। अब क्वेश्चन में बोले 5 और पंक्तियां जोड़ दी जाए तो 10 पहले थी 5 अब और आ गई तो टोटल 15 पंक्तियां होंगी। तो अब 120 पेड़ों को अगर मैं 15 पंक्तियों में लगाऊंगा तो प्रत्येक में कितनी आ जाएंगी, 15 × 8 = 120, तो प्रत्येक में 8 पेड़ आएंगे। तो क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 8 पेड़ आएंगे। और ये बहुत सिंपल बहुत आसान क्वेश्चन था, 2023 SSC MTS का क्वेश्चन है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और बाकी की क्लास आप लोगों की होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो को लाइक करो, दबा के शेयर करो, सपोर्ट करो, आपका चैनल है, आपके सपोर्ट से ही चलेगा, ठीक है। और अगर कोई कमी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। अभी मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर।